सिपाहियों, कोतवाल जी को मुक्त कर दो। हाँ, मुक्त करो, मुक्त करो। अक्रामक ये क्या किया रामा? अरे आत्महत्या ही करनी थी तो मुझसे विचार विमर्श कर लिया होता, कोई सरल उपाय ही बता देता मैं। ये तो लेने के देने पड़ गए बंधु, मेरी योजना विफल हो गई। मुझे नहीं पता था कि महाराज ऐसी प्रतिक्रिया देंगे, अब क्या करें? मुझे क्या पता, मुझसे पूछकर भी तसल्ली थी। मैं तो सोने जा रहा हूँ इस कठोर जीवन की अंतिम निद्रा लेने। कल प्रातः तेरे साथ साथ मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अम्मा, मेरा तो हृदय ही बैठा जा रहा है। धीरज रखो बहन, जो घर में किसी काम के नहीं होते वो संसार के सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। अर्थात अम्मा रामा की बात कर रही हैं। रामा घर पे कोई कार्य नहीं करते इसलिए दूसरों की सारी समस्याओं का निवारण कर देते हैं। वो कोतवाल की समस्या का भी निवारण कर देंगे। आप बस ईश्वर में आस्था रखिए। एक बार महाराज ने मृत्यु दंड दे दिया और प्राण पखेरु उड़ गए तो ईश्वर क्या पुनः धरती पे भेज देंगे? अम्मा, ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, फूलदानी तो है, मनुष्य का जीवन फूलदान से अधिक मूल्यवान होता है। अरे किस मनुष्य घड़ी में इन्होंने उस फूलदान को उठा लिया था अम्मा। अरे उन्हें कुछ नहीं होगा। अम्मा मुझे इनकी चिंता नहीं है, इनके पश्चात मैं अकेले इन बच्चों को कैसे संभालूंगी? इसके मुख की उत्तेजना देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सूचना लेकर आया है। हाँ बता बता। मालाद ने कोतवाल तो माफ कर दिया। देखा, हमने कहा था ना, अब व्यर्थ ही भयभीत हो रही थी। ईश्वर महान है, रामा में दूसरों को समझाने की अद्भुत क्षमता है। मुर्गन, सोम, चरणजीवी, सत्तर प्रकाश, जल्दी आओ बालको, तुम्हारे पिता सुरक्षित है बालको। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। क्या हुआ, क्या बात है? अरे अब कोतवाल की जगह लामा को मृत्यु दंड दिया जाएगा। रामा को मृत्यु दंड? क्या बात है, स्पष्ट रूप से बता। अम्मा, लामा ने कोतवाल का दंड अपने दिल पर ले लिया। ऐसा भी कभी होता है? मृत्यु दंड है, शिलाखंड नहीं। कोई किसी का दंड अपने सर पर कैसे ले सकता है? अम्मा ऐसा हुआ है, लामा ने ऐसा किया है। रामा की मति मारी गई है क्या? अम्मा हमारा तो दिल ही बैठा जा रहा है। थोड़ा धीरज रखो बहन। कैसे धीरज रखे? ईश्वर पे आस्था रखो। महाराज ने मृत्यु दंड दिया है, एक बार प्राण पखेरु उड़ गए तो ईश्वर क्या करेंगे, उन्हें पुनः धरती पर भेज देंगे। ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कहते, वो स्वर्ग शक्तिमान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। ए कोतवालन, अपनी ओर से भी तो कोई सांत्वना दे, हमारी सांत्वना हमें लौटा रही है। अम्मा मुझे आज्ञा दो। वो क्या है ना, जल्दी में मैं तरकारी चूल्हे पे ही छोड़ आई थी और पूरा घर भी अस्त व्यस्त पड़ा है, और बालकों का भी देखो अम्मा क्या हाल हो गया है, ये हमें अस्वस्थ पाएंगे तो चिल्लाएंगे। अम्मा मैं चलती हूँ। तुम्हारा कार्य हो गया तो अब भाग रही हो? ऐसा ना कहो बहन, तरकारी जलने की चिंता ना होती ना तो मैं अवश्य यहाँ रुकती और तुम्हें सांत्वना भी देती। मैं चलती हूँ, प्रणाम। चलो बालको। देखा माँ, यहाँ एक लोटा जल तक नहीं देते और वहाँ अपने प्राण दे रहे हैं। आज मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि वो जीवन भर याद रखेगा।
अम्मा जीवन बचाए कितना है, कल तो मृत्यु दंड दे रहे हैं और आज कारावास से बंद करके रखा है। मैं उसे कारावास से बाहर निकाल कर मारूंगी। अम्मा महारानियों की जय हो। महामंत्री तिमारा सूजी पधारे हैं, जो आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। उन्हें आदरपूर्वक हमारे कक्ष में भेजिए। जो आज्ञा। महारानियों की जय हो। दोनों महारानियों को हमारी ओर से सादर प्रणाम। प्रणाम महामंत्री जी, कहिए कैसे आगमन हुआ? हम अत्यंत ही चिंतित हैं। हम भी अत्यंत चिंतित हैं और आपको अपना भार कम करना चाहिए महामंत्री जी। जी रुकिए, एक कदम भी आगे मत बढ़िए, आपके चलने से कंपन हो रही है और इस कंपन से कहीं फूलदान गिरकर टूट गया तो। महामंत्री जी कहिए कैसे आगमन हुआ? जी हम वो नहीं, एक शब्द भी मत बोलिए, आपके बोलने से भी कंपन उत्पन्न हो रही है और इस कंपन से कहिए फूलदान गिरकर टूट गया। तिरुमलम्मा, फूलदान को कुछ नहीं होगा, आप कृपया महामंत्री जी को बोलने तो दीजिए। महामंत्री जी आप कहिए। हम आपको ये बताना चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण ने कोतवाल का दंड अपने सिर पर ले लिया है, अब कोतवाल के स्थान पर पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए महामंत्री जी कि आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं, इसीलिए ना कि कहीं त्रुटिवश हमसे फूलदान गिरकर टूट जाए तो आप हमारा मृत्युदंड अपने सर ले लेंगे, है ना? है ना? अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य था कि भगवान न करे कि ऐसी विपदा आए। महामंत्री जी कृपया आप ये बताइए कि आपकी अपेक्षा क्या है हमसे? हम तो आपसे केवल ये कहना चाहते हैं कि आप कृपया चलकर महाराज से वार्तालाप कीजिए, उन्हें समझाइए कि पंडित रामकृष्ण को मृत्युदंड ना दें। और तो और पंडित रामकृष्ण शीघ्र ही पिता भी बनने वाले हैं। ये फूलदान तो प्राण घातक बन चुका है। हमें ज्ञात नहीं था इसके कारण ये सब होगा, नहीं तो हम महाराज को बिना बताए इसमें हरी मिर्च का पौधा लगा देते। हाँ महारानी तिरुमलम्बा, आप महाराज के पास जाकर उनसे अनुरोध कीजिए, ये समस्या आपने ही उत्पन्न की है। हमने हमने क्या किया? समस्या तो महाराज के पूर्वजों के उत्पन्न की हुई है, क्या जरूरत थी दूसरे देश के राजाओं के समक्ष पराक्रम दिखाने की? ना वो पराक्रम दिखाते, ना दूसरे देश के राजा उन्हें भेंट स्वरूप ये फूलदान देते, ना ही ब्रह्मा संसार की रचना करते और ना ही ये सब होता। हाँ महारानी चिन्ना देवी, हम आपसे सहमत है, ना ही भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते और ना ही। महारानी जी आप कृपया अपना शास्त्रार्थ समाप्त करें और शीघ्र चलें, पंडित रामकृष्ण के प्राण रक्षा हेतु महाराज को मनाना आवश्यक है। जी महामंत्री जी चलिए शीघ्र चलिए। चलिए महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए मंत्री, आप यहाँ इस समय? क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु हमें त्रुटि के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब आए हैं आप, अब जब चिड़िया खेत चुक गई। जी महाराज हम कुछ समझे नहीं। महाराज के कहने का तात्पर्य है कि किसी का खेत कोई चिड़िया चुक गई, है ना महाराज? आप भी बता रही हैं महामंत्री जी, आप हमारे कौन हैं? महाराज आपको इतना भी स्मरण नहीं, ये आपके महामंत्री हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारे महामंत्री हैं तो आपने हमें टोका क्यों नहीं? वो महाराज हम वो मछलीपट्टनम जाने। मछलीपट्टनम तो आप पिछले 3 दिनों से जा रहे थे महामंत्री, परंतु अब तक गए नहीं हैं आप। रोकना चाहिए था ना आपको, हमें रोकना चाहिए था। और आप हमारी महारानियां, हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार करने से पहले ही आप जान जाती हैं, फिर आपने हमें क्यों नहीं रोका? वो महाराज वो हम क्या महाराज, परंतु उस समय तो हम दरबार में उपस्थित ही नहीं थे। हाँ आप
तो थे ना महामंत्री जी, आपने रोका क्यों नहीं हमें? जी जी महाराज, हमने हमने प्रयत्न किया था महाराज, परंतु प्रयत्न पर्याप्त नहीं था महामंत्री जी, आपको रोकना चाहिए था हमें। पंडित रामकृष्ण ने कोतवाल के लिए क्या किया? क्या किया महाराज? उन्होंने कोतवाल का मृत्युदंड अपने सर पर ले लिया जी। आप पंडित रामकृष्ण के लिए क्या करें? महाराज महाराज, हम भी पंडित रामकृष्ण का दंड अपने सर नहीं महाराज नहीं महाराज जी। हाँ महामंत्री जी, आपको तो समझना चाहिए था ना, समस्त विजयनगर राज्य का भार है हम पर, अनेक समस्याएं हैं, हमसे त्रुटि हो सकती है, परंतु आप तो हमें रोक सकते थे ना। अब पंडित रामकृष्ण के मृत्युदंड के लिए आप उत्तरदायी होंगे। क्या महाराज, पंडित रामकृष्ण के मृत्युदंड के लिए हम उत्तरदायी हैं? नहीं नहीं, त्रुटि स्वीकार करने से अब कुछ नहीं होगा महामंत्री जी, फल दीजिए। महाराज महाराज, जो अब तक हुआ सो हुआ, त्रुटि महाराज से क्या अर्थात व्यक्ति से ही होती है। महाराज हम ये चाहते हैं कि आप अपना ये निर्णय स्थगित कर दीजिए। नहीं, परंतु वो आप नहीं कर सकते ना? कर सकते महामंत्री जी, हैं? हम भी यही सोच रहे थे कि हम अपने निर्णय को स्थगित कैसे करें। तो फिर क्या सोचा महाराज? सोचने का कार्य भी हम ही करें महामंत्री जी, हमने आपको क्यों रखा है? आप सोचिए, विचार कीजिए और समाधान निकालिए। वो महाराज महाराज, हमारी राय में हर समस्या की तरह इस समस्या को भी पंडित रामकृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। या देखिए ना, हर समस्या का समाधान पंडित रामकृष्ण हमेशा निकालते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी पंडित रामकृष्ण ने अवश्य सोचा होगा। सोचा तो होगा उन्होंने। सैनिकों, द्वार अच्छी तरह बंद तो है ना, नहीं तो मृत्युदंड मिलने से पहले ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। सैनिक, द्वार खोलो, मुझे उसे पीटना है। नहीं 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 नहीं, शारदा देवी, ये आपके पति हैं, आप इन पर प्रहार करेंगी? नहीं, शब केवल हमारे हैं, परंतु विचार, क्रोध, निर्णय सभी अम्मा का है। उठा लो। क्या उठा लूं? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो और उन्हें पीटो। ओहो, तुम दोनों यहाँ आए क्यों हो? क्या आवश्यकता थी कोतवाल का दंड अपने सर लेने की? दादा, मैं उन्हें मृत्यु दंड कैसे लेने देता? कितना विशाल परिवार है उनका, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने हैं? एक, दो, तीन। अरे, आपके भी हो जाते, एक तो आने ही वाला है ना। दोनों यहाँ आए क्यों हो? घर जाओ ना। आपसे हमारा सुहाग नहीं देखा जाता ना, इसीलिए अपने हाथों से ही समाप्त कर दिया। अरे, हमारे लिए नहीं तो अपने होने वाली संतान के बारे में तो सोचा होता। मेरे तो भाग्य फूटे हैं, ये इतना क्रोध आ रहा है और इसे कारावास में बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा अपना क्रोध किस पर निकालूं। चलिए आइए, अब अम्मा जी भेंट का समय समाप्त हो गया। समय तो तेरा समाप्त हो गया था, एक फूलदान तुझसे संभाला नहीं गया और नगर का कोतवाल बना फिरता है। इतने सारे बच्चों का पिता है और एक फूलदान नहीं संभाल पाया। अरे अम्मा, ये फूलदान से मेरे बच्चों को क्या लेना देना, वो तो ईश्वर की देन है ना। बताइए, इसमें मेरा क्या अपराध है? तेरे कारण रामा की ये दुर्दशा हुई है। गुंडप्पा, शारदा, जाकर कोतवाल को बचाओ, नहीं तो अम्मा मान मारकर जान ले लेंगी उनकी। अरे मत मारो बेचारे कोतवाल जी। महाराज की जय हो। महाराज,
आप ये इधर उधर क्या क्या कर रहे हैं? विरुवर, हम सोच रहे थे। परंतु क्या सोच रहे थे? हम सब सोच रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण क्या सोच रहे होंगे। महाराज, हम आपसे भेंट करना चाहते थे। गुरुवर, हमें ज्ञात है आप किस प्रयोजन से हमसे भेंट करना चाह रहे थे। अहो, भाग्य हमारा महाराज। गुरुवर, आपका जो हृदय है वो कमल की पंखुड़ी की भांति कोमल है। वो तो है महाराज। आपके हृदय में लोगों के लिए ममता है। वो तो है महाराज। स्नेह है, सत्य आदर है, सत्कार है, सत्य वचन। आप अपने संगी साथी के लिए सदैव न्याय चाहते हैं। सदैव महाराज। आप पंडित रामकृष्ण के लिए क्षमा मांगने आए हैं। सत्य वचन महाराज। अद्भुत। नहीं महाराज, नहीं। गुरुवर, आप मांगी क्षमा मांगिया? नहीं मांगी आप। गुरुवर, हम आपकी बात टालेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी त्रुटि कर ही नहीं सकते हैं। महाराज, भला हम पंडित रामकृष्ण के लिए क्षमा याचना क्यों करेंगे? जी नहीं महाराज, वो हमारा कहने का अर्थ है कि आपकी आज्ञा से पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड मिला है, तो हम आपके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? महाराज, राज आज्ञा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, पाषाण पर रेखा की भांति है, प्रातःकाल का सूरज है, पश्चिम की वायु है, समुद्र का ज्वार भाटा है, आकाश का है। इतने उदाहरण, हम बात समझ गए। आप हमें ये बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं फिर? महाराज, वो हम वो आपकी धरोहर आपको सौंपने आए हैं। हमारी धरोहर? हाँ महाराज, वो आपके पूर्वजों की धरोहर, वो फूलदान जो आपने हमें पूजने के लिए दिया था। तो हमें नहीं चाहिए। क्यों? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है महाराज कि हमने हमने विधिवत इसकी पूजा कर दी है ना, मंत्रों के साथ इसका अभिषेक कर दिया है ना, तो हमारा कार्य संपन्न हुआ। तो अब आप ये फूलदान आप रखें। उचित है गुरुवर। धन्यवाद महाराज। गुरुवर जी, महाराज हम आपसे अत्यंत प्रसन्न है, हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं। राजा का कर्तव्य देना है, पंडितों का कर्तव्य लेना है, तो नेकी और पूछ हम तत्पर है महाराज। मनी मनी, आज पता चला कि हमारे गुरुजी का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि दूसरों का माल हड़प सके। हम आपको दान स्वरूप ये फूलदान देना चाहते हैं। अति उत्तम विचार है महाराज, अति उत्तम। नहीं महाराज, आप क्या कर रहे हैं? हम कैसे इसे? गुरुवर, आप एक फूलदान की तो पूजा कर ही रहे, हम चाहते हैं कि आप इस फूलदान की भी पूजा करें। धन्यवाद आचार्य, हमें मुक्ति मिली। परंतु हम फंस गए। क्या हुआ गुरुवर, आपको दान पसंद नहीं आया? पसंद है महाराज, आया महाराज, अत्यंत उत्तम है हमारा, अत्यंत उत्तम है। तो ठीक है फिर, प्रस्थान कीजिए आप। जो आज्ञा महाराज। चल मनी, ये तो अच्छा हुआ, पिट्ठू फोड़वा खेलने के लिए एक और फूलदान की प्राप्ति हो गई। नहीं, क्या हुआ गुरुवर? कुछ नहीं महाराज, वो ये कह रहे थे कि ये फूलदान ये पकड़ेंगे, हमने कहा नहीं, हम पकड़ेंगे, तो हम पकड़ेंगे। धन्य है। महाराज, यदि कल तक पंडित रामकृष्ण ने बचने का कोई उपाय नहीं निकाला तो क्या करना होगा महाराज?